हाय गाइस, बहुत दिन बाद व्लॉग लेके आ रहे हैं। डेली आपसे कहते हैं कि डेली व्लॉग लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खुद को भी मोटिवेशन देते हैं, आपको भी देते हैं कि आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन फिर दो चार दिन चलते चलते फिर बैठ जाते हैं, क्योंकि तीन तीन चैनल पे एक साथ इतने वीडियोज़ लाना पॉसिबल नहीं होता है। शॉर्ट्स में ज़्यादातर डालती हूँ, उस चैनल पर भी, ब्यूटी वाले पर भी और ममता वाले पर भी। लेकिन इसमें जो है लॉन्ग व्लॉग्स इन दिनों रेगुलर चल रही थी, फिर ठप बैठ गई। अब फिर कोशिश कर रही हूँ, फिर आपसे वही कह रही हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग लाऊँ, हफ्ते में तीन व्लॉग्स लाऊँ। और शॉर्ट्स तो आपको एक दिन में डेली मिल ही जाएंगी ज़्यादातर, वो तो बिना मतलब लगा कि मैं डाल ही देती हूँ, ज़रूर देखा करिए। और अच्छे अच्छे सॉन्ग्स के साथ डालती हूँ, जिससे कि आप लोग को इंटरेस्ट लगे मेरे शॉर्ट्स देखने का। तो इसी तरह से मैंने सोचा चलो आज व्लॉग जो है वो कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ चीज़ें जो मेरे पास आई थी। इसको स्टैंड के माफिक खड़ा करते हैं। ये खड़ा किया, अब जो है आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या मेरे पास इस समय फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स आए हैं, आए नहीं मैंने लिए हैं, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। वाओ, देखिए फॉक्सटेल का सबसे पहले मैं ये रेटिनॉल इस्तेमाल कर रही हूँ इस समय, जो कि मजा एंटी एजिंग का सीरम का है। मॉर्निंग स्किन केयर पे, नाइट पे ये भी कर रही हूँ। इसके साथ एक एक्टिव जो है वो ये भी फॉक्सटेल का ओवरनाइट ग्लो मास्क भी कर रही हूँ, ये देखिएगा। इसको लगाने से जो इस चेहरे से डलनेस हो जाती है, डल नहीं हो जाता, चेहरा डलनेस आ जाती है, चेहरा ग्लो नहीं करता है। इसको लगाने से इसमें जो है आपका समझ लीजिए AHA PHA प्रो विटामिन B5। AHA PHA ये आपके स्किन को की डलनेस को दूर कर देता है और स्किन को काफ़ी हद तक रिपेयर करता है। ये देखिए किस तरह से स्किन के जो सेल्स होते हैं उसको रिपेयर कर देता है। तो इसलिए मैं ये दो जो है इस समय फॉक्सटेल के यूज़ कर रही हूँ, रेटिनॉल अपना एंटी एजिंग के लिए कर रही हूँ और ग्लो के लिए ये कर रही हूँ। AHA PHA हफ्ते में तीन बार लगाना पड़ता है, 2 से 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं, तो वो मैं दो बार ही यूज़ करके देख रही हूँ। कुछ शुरुआत में 3 बार किया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा, 2 बार करने लगी हूँ, तो इसी की तरह से चलता रहता है। तो चाय कौन कौन पिएगा, इस समय मेरा चाय पीने का मन हो गया है, तो चलिए चाय लाते हैं, तब तक आपसे मिलते हैं। बने रहिएगा क्योंकि आपको ऐसे ही छोड़ के हम जा रहे हैं। ये लेके आई मैं अपने लिए चाय, किस किस को चाय प्रिय है भैया, कौन ज्यादा चाय पीता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी चाय बहुत हो जाती है, इस समय दिन के 3 बज रहे हैं, लेकिन दिन के 3:30 बज रहे हैं, लेकिन मेरी चाय जो है इस समय भी चल रही है, खाना खाने के बाद फिर से चाय पी रहे हैं। तो वही मैं बता रही थी आपको कि फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स जो है इस समय काफ़ी हाइप है और काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी जल्द रिजल्ट देते हैं। तो कोशिश करिएगा इसको इनमें से जो आपको ठीक लगे लेने की। ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं कोई आपको वो नहीं कर रही हूँ, लिंक मांगिएगा तो दे दूंगी। मुझे ये इफेक्ट लगा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये। अच्छा, फेशियल्स कराने में जाती नहीं, पार्लर में जाती नहीं, बिल्कुल नहीं जाती फेशियल कराने में, तो मैं इन्हीं सब चीज़ों से अपने घर पर फेशियल कर लेती हूँ। कई बार ब्रांड्स जैसे वाओ वालों ने मुझे फेशियल किट भेजी थी, आपको वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए वाओ वालों ने स्किन ब्राइटनिंग का ये विटामिन सी वाला फेशियल किट भेजा था। कभी कभार ये भी थोड़ा यूज कर लेती हूँ, बहुत कम कभी कभार, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। अभी मैंने निकाला ये जो आप देख रहे हैं स्टैंड, ये स्टैंड मैंने इसलिए रखा है कि जो वीडियोस बनाने के लिए मैं अंदर से वैनिटी से या ड्रेसिंग से लाती हूँ सामान, वो इसमें एडजस्ट करती हूँ, उसके बाद सामने खड़े होकर वीडियो बनाती हूँ, बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। तो इस जो मेरा तुरंत की चीज़ें होती हैं वो उसके लिए यहाँ पे ये रैक रख रखा है। ये देखिए ये वाला रैक,
3, 1, 2, 3, 4 लेयर्स पे है, ये 4 टायर रैक है, तो काफी चीजें इसमें हमारी एडजस्ट हो जाती है, इधर आपको फैली नहीं मिलेंगी। इसी में ये भी रखा हुआ है, जिस दिन करना होगा कर लेंगे, नीचे वाले को एडजस्ट किया हुआ है। मेरे ब्लॉग्स जरूर देखा करिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं रिव्यूज भी लाती हूँ, डिम्पल वाले के यानी कि फुकरा इंसान के रिव्यूज भी लेके आती हूँ, जिससे कि आप लोग का इंटरेस्ट भी बना रहे बीच बीच में। रोज मैं अपना झाड़ू पोछा दिखाऊंगा, आप कहाँ तक देखेंगे, तो बीच बीच में फुकरा इंसान का भी झाड़ू पोछा दिखा देती हूँ, तो आप लोग उसको भी वो सारे ब्लॉग्स मेरे देखा करिए, शॉर्ट्स भी मैं आपको एंटरटेन करती रहती हूँ, तो प्लीज सपोर्ट करें। अच्छा, जिनको मेकअप और स्किन केयर में इंटरेस्ट है वो ब्यूटी विद बनर्जी चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, ब्यूटी विद बनर्जी लिखेंगे मेरा चैनल आ जाएगा, और उसका उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको डेली के स्किन केयर और मेकअप के वीडियोस, कौन से न्यू मेकअप आया है, मेकअप रिव्यूज, शॉर्ट्स, एप्लीकेशन यानी कि लिपस्टिक कौन सी लिक्विड अच्छी है, कौन सी बुलेट अच्छी है, सारी चीजें इस रिलेटेड ऐसा कंटेंट सारा आपको उसी में मिलेगा, तो जरूर से उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल पे देखिएगा नोटिफिकेशन, जिससे कि नई वीडियोज आपको पता चल सके। जिनको रिएक्शन चैनल पसंद है वो रिएक्शन चैनल मेरा देख सकते हैं, वो भी आप लोग को सबको पता ही है, रिएक्शन वाले उसी में मतलब जो कैटेगरी के हैं वो उसमें हैं। आप लोग को भी रिएक्शन पसंद है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं चैनल बता दूंगी। चलिए मिलते हैं आप सब नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए लव यू ऑल।